ओडी के ओडी ओयो के कमरे मिला करेंगे, रंडी खाना बनाने की प्लानिंग आपके गांव को, रंडी खाना बनाने की प्लानिंग आपके गांव को। 70% बीज मानस का खत्म हो लिया, या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी 100%। अरे बोलो, कैंसर ते मरो सोबर मरो, बुखार ते मरो सोबर मरो, एक्सीडेंट में मरो, चाइल्ड बर्थ में मरो, टेंशन में मरो, कर्जे में आत्महत्या कर लो, किस किस की कुंडबागानी होगी। जिसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, उसकी सारी जमीन पंचायत पे को निरंदी, रिश्तेदार पे को जानदी, सरकार पे जाओगी। आपका आधार कार्ड आपकी बर्बादी का रास्ता है। हम कितने दिन बोलेंगे और किस किस गांव में जाकर बोलेंगे? 7000 गांव है, कड़ा कड़ा बोलना भाई, 7000 गांव है, रोज के 3 गांव काट सके, 4 गांव काट, कितना बोल लेगा तड़के से सांझ तक? 1 करोड़ रुपया आपके गांव में तो शहर जावे पढ़ाई के नाम पे, साल के 12 करोड़ बना। गांव ने बचाने का एकमात्र रास्ता है यो, और कोई राह नहीं है। गांव से देश है, देश तक गांव नहीं है। और कमाल की बात यह है कि बैंक बंद होने वाले हैं, और इटली में पिछले 4 महीने से एक भी बालक पैदा नहीं हो लिया। पता आपको यह बात? एक भी बच्चे की डिलीवरी नहीं है इटली में पिछले 4 महीने से। अभी आपके गांव के अंदर जो पानी की पाइप है, उनका पानी का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जोड़न लाग रहे हैं। कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पर फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए गांव का। आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, सारे के ढीड आना चाहिए सबका। गांव में ना पढ़ने को रास्ता देना, ना रोजगार का रास्ता देना, गांव में नशा इतना कर दो, गांव वाले अपने औलाद ने कहा तू ऐडा कुछ नहीं दे रहा, तू बाहर जाड़ता है, खेती में कुछ नहीं दे रहा, तू बाहर जाड़ता है, तू शहर में चला जा, तू अमरीका चला, तू कड़ी चला जा, ऐडा कुछ नहीं दे रहा। गरा खड़ा खड़ा डांगर बीमार हो जाए और पीने पानी ना हो तो लोगों के लिए डांगर पालना मुश्किल हो जाए। फिर मैं देखें दिहाड़ी का हिसाब लाकर के पालन में इतना खर्चा और थैली लेने में यो फायदा, तो इससे बढ़िया थैली लिया। तो डांगर छोड़ दिए, डांगर छोड़ दिए तो तड़की 4 बजे उठने वाला खेल खत्म हो गया। जो आदमी 4 बजे उठेगा वो बीमार को नहीं होगा, और जिस आदमी को उठ के करने कुछ है ही नहीं वो लेट उठेगा बीमार। उठ दे क्षत घूमण जाया करते, बार बार घूमना भी खत्म, क्योंकि लैटरिंग जड़मय है। उसके बाद असली बात यह थी, मारी लुगाई बैठ के चूल्हे आगे बैठ के रोटी बनाया कर दी, इसी से आगे जिसमें गर्भाशय होता है और यूट्रस होया कर, जो हमारी छाती है हमारी महिलाओं की, उसके आगे गोड्डे अड़ जाया कर दे, उसकी वजह से मैं बीमार को नहीं होया कर दी, ईट ने रोक लिया कर दी। लेकिन ईब हमारे छोरी लुगाई खड़ी करके ना रोटी बनावे सेल्फ, वो जो चूल्हे का जो रेट है वो बिल्कुल जमाई आड़ा है, चूल्हे की जो हाइट है नहीं, वह सारी ईट जो है वह इतनी गर्मी हो जाए, जो वह 5 दिन हो है ना माहवार के, जो महिलाओं में जो पीरियड्स के 5 दिन, उसमें शरीर में इतनी गर्मी होया करे कि उस टाइम पे गर्मी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो परिवार में जब 5 परिवार हैं, जब 5 लेडी हैं, 2 लेडी हैं, तो जिस टाइम पे एक ने तकलीफ हो रही, दूसरी चूल्हा संभाल लेगी, उन्हें किचन तक बाहर रहने दे क्योंकि गर्मी होगा किचन में, ठीक, तो वह ठीक रहेगी। लेकिन इब तो घर में एक के लुगाई है, इब वाये चूल्हे के आगे खड़ी रहेगी उस टाइम पे, तो उसका यूट्रस कैंसर बने बने, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोज। या भी बेरा थी उन्हें यह भी पता थी, जिनने यू खेल खेल लिया उन्हें पता था, इब तो सारा मोहल्ला एक टेलीविजन देखा है, फिर इनके घर, फिर इनके पूरा गांव में एक टेलीविजन, फिर मोहल्ले में एक टेलीविजन, फिर हर घर में एक टेलीविजन। जब टेलीविजन बिकने बंद हो गए, बोले टेलीविजन तो बिकने बंद हो गए, इब के करा परिवार के बारे में जानकारी किसने दी आपके? चलो इसके बारे में बताता हूं अभी। एक ही घर के अंदर 4 भाई रहा करते, 4 आपस में अपने दुरानी जेठानी रहा करती, इनने तरीका जोड़ा कि इसका एक तरीका है, जब इन 4 भाइयों ने लड़वा दो या इनकी नौकरी कितने बाहर करवा दो, तो एक के घर के 4 घर बन सके हैं, 4 घर में 4 टेलीविजन बिक सके, 4 घर में 4 टूथपेस्ट बिक सके, 4 घर में 4 चूल्हे, 4 सिलेंडर, 4 मोटरसाइकिल, 4 कार, 4 बेड, 4 शीशे, 4 बाथरूम, 4 लेटरिन, 4 टब, 4 बाल्टी, 4 बिजली के पंखे, 4 AC, 4 कूलर। ये तो ती भैजी भैया, एक एक घर एक एक कमरा हो घर में, मतलब कंपनी को 4 गुना बेनिफिट तब हो सकता है जब एक परिवार के 4 परिवार हो जाए।
एक परिवार का अगर एक ही परिवार, अगर चार परिवार का एक परिवार होगा तो कमावेंगे चार, खर्चा कुछ होता है को नहीं, ठीक। जब सारे एक एक परिवार बंट लिए फिर नहीं बोले भी बात नहीं बन रही, ये बात नहीं बन रही, तो इन कहेंगे भाई पत्नी के इंटरेस्ट के न्यारे हैं, पति के न्यारे हैं। एक ने दादा ने खबर देखनी, बेटे ने मैच देखना, बहू ने नाटक देखने ड्रामे वाले, तो न्यू करो तीनों अपने कमरे में एक एक और ले लो। उससे भी बात ना बन दी, कहीं बर्गर आने में लेट हो जाए तो न्यू काम करो इनकी गोज में गाल दो, इन सबके गोज में दे रखे, ठीक। मतलब घर में जितने मानस, सबके पे मोटरसाइकिल, सब पे कार, सब पे मोबाइल, सब पे टेलीविजन, सब पे रेडियो, सब पे सारा सौदा ले, काचे काटो। मौज किसकी? बाजार की। ये खबरें दी किसने? ये खबर देने का काम करा आंगनबाड़ी वर्कर ने। आंगनबाड़ी वर्कर का इस देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान बताओ, कोई मानस बता सके? मैं बताऊं, आपके गांव में सबसे ज्यादा जमीन जिसके भी है, मैं नाम नहीं लूंगा ना नाम लेने की कंधा, कितनी की जमीन होगी उसका? 50 किले या कम? 80 किले। मैं गारंटी तक कहूं जी, देखो मैंने बेरा को नहीं ना किसी से पूछा, पर मैंने एक बात का बेरा, जिसके 80 किले थे ना, चल जाए उसके घर में नहीं होगा तो उसके भाई चाचे था हुआ मैं तय, लेकिन मैं मेरा 80 किला का मतलब यो नहीं है कि उसे परिवार ने टारगेट करा, इसका मतलब यो था कि बड़े था बड़े जमींदार के घराड़ी ने या उसकी सासू ने, मतलब जो बुढ़ी है उसने आंगनबाड़ी तक के करा है सब तबड़ा के तड़किए गोदी में अपने पोते ने ठाके चल रहा है और गिल्ला कटोरा ठाके चल रहा है। देखिए आपने अपने हाथा, देखिए चाहे कोई कितना है कमाणिया हो, कितना है पढ़ा लिखा हो, कितना है अनपढ़ हो, मतलब छोरे की दादी जो छोटा बालक है उसकी दादी अपने पोते ने पोती ने ठाके चल रहा है गिल्ला कटोरा ठाके चल रहा है, चूरी लाऊंगी, ब्रेड लाऊंगी, रस लाऊंगी, फरीका जो हमारे पुरखिया ने मना करी थी कि फरीका नहीं लेना किसी का कुछ नहीं जी, समझे? आंगनबाड़ी का इससे बड़ा कोई योगदान नहीं इस देश के अंदर। आंगनबाड़ी का दूसरा योगदान यो है कि आंगनबाड़ी वर्कर वो पड़ोस की लेडी है, वो आपके परिवार के बारे में सब जानती है, उसने बेरा है इस परिवार में लड़ाई क्यों कर करवाई जा सके, इस परिवार का झगड़ा क्यों कर हो सके, इस परिवार को तोड़ा कैसे जा सकता है, इस परिवार में कौन सी बात हैवी है, कौन सी कमजोर है, इस बच्चे के कौन से इंजेक्शन लाग लिए, इसका कौन सी बीमारी हो ली, इसका कितना वजन है, इसका कितनी हाइट है, इसका इसकी माँ ने के दवाई खाई थी, इसका ऑपरेशन नॉर्मल आया था, डिलीवरी क्यों करवाई थी, सारी खबर आंगनबाड़ी वर्कर अपनी 18 रजिस्टरों में लिखती है। और कमाल की बात यह 18 के 18 रजिस्टर में एक भी रजिस्टर इंडिया की सरकार का नहीं है, सारे रजिस्टर यूनाइटेड नेशन के हैं, WHO के, जिसने यह बीमारी लेकर आए थे, जिसने यह वैक्सीन बनाई थी। ये बात आप तक ना आंगनबाड़ी वर्कर ने बताई ना सरकार ने बताई। आंगनबाड़ी वर्कर की अब आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके आधार कार्ड के साथ आपका सारा कागज जुड़ गए हैं, बच्चे की जन्म की आईडी से लेके तब तक। अब आंगनबाड़ी वर्कर किलकी मार रही, मारी तनख्वाह बढ़ाने की छोड़ दो, मारी नौकरी ना खुश हो, ये बुन हटाने की तैयारी चल रही है कि हटो यहां से, चलो जरूरत नहीं है, स्कूल में खोल देंगे आंगनबाड़ी सेंटर, क्योंकि इबुन का यूज हो गया, जब तक मैनुअल लेना था ले लिया, इब सब अपना आधार कार्ड ठाया फिरन लाग रहे, अपने बड़का की सारी डिटेल आपके आधार कार्ड के साथ, आपका बैंक अकाउंट, इन्हें चाचा ने ले जाइयो रे बार, सुनो कोई नहीं, देखो भाई देखो, जब तुम पाछे तो ना देखोगे तो फिर मैं भी नहीं चुकूंगा, तुम पाछे देखने लाग जो फिर मैंने नहीं सोचा तुम देख लो ना, सुनो इब। अच्छा आपके आधार कार्ड के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, आपका जमीन के कागज, आपके बैंक का अकाउंट, आपका पैन नंबर,
आपकी ITR, आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपका आयुष्मान कार्ड, आपके पूरे परिवार की डिटेल, आपका गैस का कनेक्शन, प्रॉपर्टी के कागज, घर के, जमीन के, ट्रैक्टर के, कार के, आपका मतलब क्रेडिट कार्ड, आपका फिर बिजली का बिल, पानी का बिल और जितने बिल दुनिया जान के हैं, सारे कागज आधार गेल जुड़ लिए क्यों जी? जो दो साल पहले कंडीशन लाई थी कि अगर जे ना करोगे तो यू नहीं होगा, जे अगली बार सरकार न्यू कह दे कि इतने चौथी डोज नहीं लगवा, इतना आधार कार्ड नहीं खुलता, और जब आधार कार्ड नहीं खुला तो बैंक खाता भी नहीं खुला, क्योंकि ये कॉपी में कौन लिख रहा किसे दो रहा कितने पैसे हैं, ये तो मोबाइल में लिख रहा इंटरनेट पे, और कंप्यूटर वाली मैडम जाने जितने पैसे हैं, मोबाइल में खोलोगे खुला कौन ही, उड़े जाएगा ना बताना पड़ेगा, पहलम अगले इंजेक्शन का सर्टिफिकेट दिखा फिर मिलेगा, हो नहीं सका। आधार कार्ड कितनी तोड़ क्या तोरी भाई, मारे स्कूल में मास्टर लाने की तो तोड़ कौन ही, CCTV कैमरा लाने की बहुत जल्दी है इन्हें, है जी, आधार की बहुत तोड़ है, ऑनलाइन डेटा लेने की बड़ी तोड़ है, लाल डोरा तोड़ के रजिस्ट्री कराने की बड़ी तोड़ है। सरपंच साहब आ रहे हैं कि आए नहीं? मैं आपने एक बात बताऊं, इस तक पहले सरपंच आ रहे हैं कि इन तक पहले आले सरपंच तक जाकर पूछियो एक बार, या यू कम्युनिटी सेंटर है के पंचायत घर है यो। मैं आपने एक कमाल की बात बताऊं, इस पंचायत घर की जमीन ऊ किसकी थी या गुराना गांव की, गुराना गांव मतलब पंचायत की। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, बेरा इस बात का, आपके स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, श्यामलात की जमीन, जोड़ की जमीन और बाकी पंचायत घर जितनी चपैड़ हैं सारी, चाहे चमारा की हो, चाहे बामणा की हो, चाहे जाट्टा की हो, चाहे किसे की हो, जितनी चपैड़ है, वाल्मीकि मंदिर जो भी है, मंदिर की जगह छोड़ गए जितनी भी जगह, असल में मंदिर वाली भी रजिस्टर्ड तो कोनी थी, तो वह भी अवे बन रही थी, तो वह भी जितनी भी सामूहिक जगह है ना गांव में, वो सारी जमीन सरकार के नाम हो ली। ठीक हो गलत हो पहले नहीं बताओ भाई, उल्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए ना। जमीन गायब आपसे पूछे बिना, आपके बाप दादाओं की जमीन, आपके गांव की जमीन आपसे पूछे बिना, फिर आपके खेत की जमीन गांव में चेक की, कितना है बड़ा जमींदार हो, कितना है छोटा जमींदार हो, कर्जा जरूर तो चाहे ना जरूर तो, हर आदमी की जमीन बैंक में नीलाम पड़ी है, जिन्हें जरूरत थी उसने लेकर वो जरूरत में यूज कर ली, और जिसने जरूरत नहीं थी उसने वह भाई 4% सालाना तो देना पड़ा, और 1.5 रुपये मारती दे दे तोड़ते लेके उड़ा ब्याज कमाओ, उन्होंने कर ली। और कमाल की बात यह है कि बैंक बंद होने वाले हैं, और जब बैंक बंद होएंगे तो गांव का हर आदमी कर्जे में बैठा होगा। अभी आपके पास ना फोन आएगा, ऊए आओगा, ऊए फोन उठाया, पता चला अभी आप ले सकते हैं लोन बिना किसी कागज के 30 मिनट के अंदर लोन, ठीक। दूसरा, बैंक वालों के पास फोन आएगा, जब लोन ना ले रखा बोला लोन ले ले, बोला मैं कुछ काम तो कोनी करता, बोला डांगर आप ले ले, बोला डांगर मेरे नाम को नहीं, खेत पर ले ले वो भी मेरे नाम को नहीं, और कुछ नहीं हो तो फिर 10वीं की सनद पर ले ले, अगर 10वीं करे कौन राखी में तो अनपढ़ हूं, अगर आधार कार्ड पर ले ले, क्या है पे ले ले, तो ले ले लोन ले ले, ठीक है, लोन मिलेगा तने। अच्छा जी, जिन्हें लोन ले रखा है और लोन की किस्त टेम पे देन लाग रहा, उसने न्यू कहेंगे अतने बड़ा लोन मिलन लाग रहा है और ले ले 2-3 लाख, जिसकी ठीक टेम पे जा रही है ना किस्त उन्हें कह रहे और ले ले, और जिसकी टेम पे नहीं जा रही उन्हें न्यू कहे चाहे तो जमा करा दे नहीं तो जमीन नीलाम होगी। यानी कि पहलम तो हर आदमी ना उस पोजीशन पर ले जाओ कि वो देने की गुंजाइश खत्म हो जाए, और फिर न्यू कह दे कि जमा करा। और कमाल की बात, कोई भाई शहर में रहा आप में तो नहीं रंदा, किसी ना हाउस लोन ले रखा हो, हाउस लोन की खासियत बताऊं था मैं जानबूझ के, शहर में किसी भाई ने ले रखा हो ना उन्हें पूछियो, एक भाई ने मान लो मैं अंदाजा बताने लग रहा 30 लाख का लोन लिया,
छह साल हो गए भरन लाग रहा, इब भी 30 लाख देने। यो हालत है सबकी सबकी, मतलब इतना दे दिया, इतना भर लिया, इतना ही देना। अरे बोले बना रखे हम, मारा बेड़ा को नहीं किसी ने, मतलब न्यूनत तो खेत में बोन आला बीज गांव में कितने घर पे असली बीज पड़ा होगा जी? एक पे भी नहीं, सबका बाजार में ताव है। अच्छा डंगर जोटे खागड़ कितने के गांव में? एक भी नहीं है कि नहीं? समझ गए बात? ना तो डांगर, ना जो टे, ना खागड़। अच्छा कमाल की बात यह है, खेत का बीज भी नहीं बच रहा, डांगरा का बीज भी नहीं बच रहा, और हेल्थ डिपार्टमेंट यह कहता है कि 70% बीज मानस का खत्म हो लिया, इसलिए इस हार में भी 30-40 आईवीएफ सेंटर खुल लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी खुल लिए। नए नौजवान बतांदे को नहीं, शरमांदे ही बाल शरम रह रही है, नहीं तो 10 में 7 बालक 6 बालक ब्याह होंदे, 6 महीने भीतर डॉक्टर के चक्कर लाग ले काटन, उनकी मुलाकात ओड़ी हो और तेरे की तो भी आड़ी, तो भी आड़ी। बताइए ना किसे तय अरे कमाल की बात या इससे भी ऊपर की बात सुनो ए भाई, इस तो ऊपर की बात सुनो। अपने घर के पड़ोस में जड़े हैं सारे के सारे भाई, इनके पोता पोती, इनके बेटा बेटी, दुकान पे तो सामान ले मैं खान का, और जो दुकान पे तो सामान ले हो नी, और जो दुकान पे तो सामान ले हो नी, वो सामान के कवा है, उस सामान के पीछे ठा के देखियो, ये जो पढ़े लिखे नौजवान है इनके लिए स्पेशल है, ब्रेड का पैकेट ठा के देखियो, घर में ब्रेड का, ब्रेड खाने की आदत किसको है पहले न्यू देखो, फिर ब्रेड के पैकेट में केक के पड़ा है पहले उसने देखो, और जो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है आर्टिकल 404, किसी में लिखा होगा 411, किसी में लिखा होगा 1011, यो आइटम का नाम है, ये कोड में लिखते हैं ताकि नबेरा नहीं लग जाए के पड़ा इसमें। आप सर्च करो सर्च इंजन के ऊपर, और सर्च करो कि उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, आपको पता चलेगा जो उसके साइड इफेक्ट है वह बीमारी घर में पहले में है या बेरा को नहीं। और दूसरी बड़ी कहानी आ, जमींदार पे गेहूं लेवे 20 रुपये किलो, और उन्हें सड़ा के और उसका ब्रेड बना के आधा किलो का पैकेट देवे फिर 65 रुपये का, यानी 130 रुपये किलो उल्टा देवे उसे। टमाटर लेवे 1 रुपये किलो और टमाटो सॉस देवे 250 रुपये किलो बना के उसके, मतलब सारा सामान किसान का, कपास का के रेट दे मेरे कपड़ा के रेट आवे है, डांगर मरिया होया के रेट दे मेरे जूता के रेट आवे चमड़े का। भाई ओ भाई तुम तो याडे रहोगे यार, समझ गए बात आप? मतलब किसान ने बेराई को नहीं बेचारे ने कि तेरी गेरी ठगी तेरे हाथ तक करवा रहे, और ताऊ ने बोला, मैं बोला मैं ताऊ ये जहर मत गिरा करो खेत में। ताऊ बोला ना डॉक्टर साहब आम नहीं गिरा कर दे, मगर गिरा नहीं कतिए नहीं गिरा कर दे खेत में, DAP यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह दवाई दवाई खाद ने बोला देखो जी 5 किले मारे, 1 किला तो डांगरा कर अपना खान का बोया करा उसमें तो गिरा करा कुलडी का, और 4 किले में गिरा करा बाहर तल्या के। मैं बोला मगर फिर उस 4 किले का के करो, बोला 4 किला तो बाजार में जावे, 4 किले का तो मंडी में जावे नहीं हो तो मंडी में भी गए। मगा ठीक बात, और इतने में उसका पोता आ गया दरवाजा खोल गया, वो बोला ताऊ के नमस्ते कर भाई, नमस्ते करी जी, वो 5-1 साल की उम्र थी उसकी, 4-5 साल का था, उसके हाथ में ब्रेड का पैकेट था। मैं बोला ताऊ यू जो ब्रेड का पैकेट है यू 4 किले में तय, 1 किले वाले की उम्र है? बोला यार तो सोचिए नहीं डॉक्टर साहब, मगा सोची, अरे तेरा छोरा जो बाहर यू कुरकुरे खान लाग रहा, जो यो बिस्किट खान लाग रहा, जो या नमकीन खान लाग रहे, जो या ब्रेड खान लाग रहे, जो और कबाड़ खान लाग रहे, सारा उस 4 किले में तया हुआ है। नहीं क्या तो नहीं समझ रहे, दम अपने बड़का खातर खुद जहर लाग रहे बोण मुराजी हो रहे बोले, अरे जो बाहर चाउमीन खाओगा, जो बाहर हॉट डॉग खाओगा, जो बाहर बड़े बड़े आउटलेट पर जितना सामान मिला है वो किंग तो ले आऊंगे मैं बाजार में, तो ले आऊंगे। तो आपका बच्चा एक एक दाना जहर का खान लाग रहा, अपने हाथ खुआन लाग रहे उन्हें, बोला हम के करा भाई फिर, मगर करें के बंद कर दो,
बोला बंद करें तो क्यों करो, फिर पैदावार क्यों करो होगी, उसकी गारंटी जनता सरकार मोर्चा देवे। पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार हम गारंटी लेवा। यो आशीष खड़ा भाई युग जाकर देख आया था और मतलब डेढ़ा खड़ी जीरी जमा दाना, एक दाना बैर का बाजार का नहीं, तो जो बाजार में लेकर हुआ बचत होगी, आरामदनी फालतू होगी और महंगी बिकवाने की गारंटी मारी। भाई 4500 रुपये पड़ोसी ने बेची 4200 रुपये और उसकी बिकवाई हमने 6000 के बा, और पड़ोसी तो ट्रैली में भर के मंडी में गिर काया और बाट देखी बिकन की, और मारे वाली ट्रैली खेत शहर में तो आके न जड़ दियो ही ने बरवा के कट्टे अपने तलवा के ले गए। शहर में तो लोग, शहर में लोग अमीर बहुत बैठे हैं, जिन्हें असली माल दोगे जो मर्जी रेट बेच लो भाई साहब, सिर्फ गारंटी होनी चाहिए कि वो असली माल है, जो मर्जी घर तले के जाऊंगे। लेकिन किसान ने समझा वह कौन किसान भाई, मैं तो कर्जे में हूं, ले कर्जे की गारंटी लेवा भाई, जिस भाई का पूरे गांव में कितना एकड़ जो देख, व्यक्तिगत फायदा देवा नहीं किसी ने, लेकिन गांव तैयार हो जाओ, गांव न्यू कह दो कि हम अपने बालका ने बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे, अपने गांव में पढ़ावांगे। गांव के अंदर 4500 जिस गांव के अंदर वोट है ना जी, 4500 वोट वाला गांव लगभग 50 लाख रुपया महीना देवे प्राइवेट स्कूलों के मालिक आता है, लगभग 4500। आपके गांव में कितनी वोट है? 8000, तो दुगुना ला लो, दुगने का मतलब 1 करोड़ रुपया महीने का आपके गांव में, तो शहर जावे भाई सुनो, 1 करोड़ रुपया आपके गांव में तो शहर जावे पढ़ाई के नाम पे, साल के 12 करोड़ बने, सारे गांव राम आके बैठ के चर्चा करो, 12 करोड़ रुपया अपने गांव के गांव में ला दोगे, अपने बड़का खातर के बनाना चाहो सब कुछ बना सको, सरकार की जरूरत को नहीं अपन है, नहीं समझेगे, किसे सरकारी मास्टर की जरूरत नहीं, किसे सरकारी स्कूल की, स्कूल की जमीन अपने नाम करवाओ पंचायत के, और मास्टर ने तैयार हम करांगे, ट्रेनिंग मेरे पे है कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है मैं बताऊंगा, सारी टेक्नोलॉजी फ्री देऊंगा, और अपने पीछे ने अपने गांव खातर ला लो, ना किसे इंग लागे ना फिटकरी रंग भी चोखा, ना बालका ने बाहर जाना, ना बसा में धक्के खाने, और ना तड़के दे लेगा सांझ तक माँ बाप ने टेंशन। गलत बात है सही बात है जी है, न्यूनतम खेती सुधरगी, न्यूनतम एजुकेशन सुधरगी, फिर बालका ने रोजगार खातर इंतजाम गांव के गांव, 12 करोड़ रुपया कट्ठा होने लग रहा पढ़ाई के नाम वाला, उन्हें न्यू का न्यू रखो भाई, यूपी सा सारे बालका पर लागेगा, जैसे कैसे पीसा कट्ठा हो गया, इसके बालक में, इसके बालक, इसके बालक, इसके बालक और मेरे बालक में कोई फर्क नहीं माना जाओगा, यू पहला नियम बना दो गांव वाले, चाहे अमीर का बालक हो चाहे गरीब का बालक हो गया जी। इसका बालक के बारे में मैंने बता दिया भाई, यू बच्चा बिजनेस बहुत बढ़िया कर सका भाई, इसके बालक तेन यू कह दिया बिजनेस करना भाई, हाँ जी करना है, ट्रेनिंग देवांगे पहले तेने बिजनेस करने की, ट्रेनिंग मिलेगी, इब तू अपना प्रोजेक्ट लिया, अपना प्रोजेक्ट लिया, तेरे को एक मौका पूरा गांव देवेगा मिलकर, यो जो पैसा पड़ा यो थारे खातरे है, तू अपना प्रोजेक्ट लिया, तेरे प्रोजेक्ट को फंड पूरा गांव करेगा, और उससे जो इनकम होगी उसका एक हिस्सा तेने मिलेगा काम चलाने, बाकी सारा पैसा फिर पंचायत फिर गांव में आ जाएगा, अपने गांव ने मजबूत करना चाहिए ना। अरे डीसी बन गया गांव का आदमी, उल्टा अंधा ही नहीं बोल गया, एमएलए बन गया उल्टा अंधा ही नहीं बोल गया, गांव तो बाहर गया, खान का टाइम था तो सारा गांव का खा गया, मैं अपने तो बताने लग गया, 10वीं तो ही गांव में रहा मैं, गांव ने इतना कुछ दिया मेरे, फिर 10वीं के बाद गांव में सरकारी स्कूल कौन था, छोड़ के ना बाहर जाना पड़ा, आज तो उल्टा गया ही नहीं, सारी कमाई देकर शहर तक देने लग रहा मैं, और आपके सारे बच्चे जो बाहर जा रहे सारी कमाई शहर तक देने लग रहे, क्योंकि उन न्यू फीलिंग है नहीं, गांव ने मेरे लिए कुछ करा, सब न्यू फीलिंग है, मेरे बाप ने कर रखा है मेरी खातिर, इस तीसरी कराओ गांव, अगर हम सभी बच्चों को यह फीलिंग देंगे ना कि गांव ने कर रखा है तेरा, तेरी पढ़ाई गांव ने कर रखी, तेरा सारा कुछ, तेरी नौकरी, तेरा बिजनेस गांव ने कर रखा, तो जब वो बंदा कुछ बन जाएगा तो उल्टा गांव खातर करना आएगा कि नहीं आएगा, गांव ने बचाने का एकमात्र रास्ता है यो, और कोई राह नहीं है, गांव से देश है, देश तक गांव नहीं है, यह समझना पड़ेगा अपने, जितना नशा सारा खत्म हो सके रातों रात खत्म हो जाएगा, जितने गंदगी है सारी रातों रात खत्म हो जाएगी, एक भी ऐसा क्राइम नहीं है आपके गांव में जो होता हो, जो सरकार ने ना पता हो, जो पुलिस ने ना पता हो, सारे तो नशे के तस्करा का पता, सारे कौन कौन बेच है उसका पता, कौन कौन नशा करा है उसकी लिस्ट है उनके पास, कौन कौन चोर है उनकी लिस्ट है, कौन कौन गुंडागर्दी करे उनकी लिस्ट है, कौन कौन गलत काम करे सारी लिस्ट है उनके पास, समझ गए ना आप, सब कुछ पता है प्रशासन को, लेकिन गांव को भी पता है ये बात, लेकिन प्रशासन इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि गांव कुछ नहीं करता, प्रशासन की जरूरत नहीं है, पटवारी का काम ये नहीं था कि वो आपके लिए काम करे, पटवारी ने आपके किल्ला के नंबर लेकर कंपनियां तो दे रखे हैं,
कि यू जमीन यू बिकनाला है, यू जानाला है, यू मरनाला है, यू अपनी औलाद ने अमरीका भेजनाला है। इसने दोनों लुआ रखे, ने चारों लुआ रखे, सारी खबर है उनको, किस किस की कुणबा गाणी होगी, जिसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा उसकी सारी जमीन पंचायत पर को निरंदी, रिश्तेदार पर को जानदी, सरकार पर जाओगी, सारे गांव की जमीन नहीं जाएगी। हर गांव को कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिससे उस गांव में रहना मुश्किल हो जाए, चाहे तो राखी नहीं जीण देवेगी, चाहे पानी चढ़ जाएगा वो नहीं जीण देगा, चाहे फसल नूनी आ जाएगी चाहे वह नहीं जीण देवेगी, चाहे फिर भाई बांस आवेगी मिल की, चाहे राखी चाहे मतलब डंपिंग यार्ड की, कुछ भी आओगा हर गांव के अंदर। ऊपर तक जहाज में तो देख के नहीं देखे, अच्छा एक गांव हो रहा, एक गांव हो रहा, एक गांव या इनके बीच में ला देख, ताकि यार न्यून की पिछुआ आवे तो यू गांव बर्बाद हो, पिरवा आवे तो इसके न्यूनता आवे, तो ये सारे सारे के ढीढ़ आ चाहिए सबके। गांव में ना पढ़ने ना को रास्ता देना, ना रोजगार का रास्ता देना, गांव में नशा इतना कर दो, गांव वाले अपने औलाद ने कहा तू ऐडे कुछ नहीं दे रहा, तू बाहर जाड़ता है, खेती में कुछ नहीं दे रहा, तू बाहर जाड़ता है, तू शहर में चला जा, तू अमेरिका चला, तू कड़ी चला जा, ऐडे कुछ नहीं दे रहा, ताकि लोग खुद कहें, क्योंकि इनके गांव चाहिए, इन्हें जमीन चाहिए भाई साहब, जमीन चाहिए इन्हें, ये किसी भी कीमत पर लेंगे। खेती के कानून भी इसीलिए आए थे, अंग्रेज भी इसीलिए आए थे, और अंग्रेज जब फेल हो गए उससे पहले मुगल भी इसलिए आए थे, क्योंकि जो जहां से ये गेम चलता है वो इसराइल में बैठे हुए हैं। इसलिए आपके गांव में निर्मल सरोवर नाम का जो प्रोजेक्ट है, जिसके नाम पर आपके सरपंचों की ताकत कम करी गई है, वो भी इंडो इसराइल प्रोजेक्ट है, इसराइल का ही प्रोजेक्ट है। उसमें आपके गांव की सफाई करके जोड़ की, उसके बाहर बढ़िया बढ़िया पेडे लाके, बढ़िया इंटरलॉकिंग लाके, उसे के बाहर फिर नया आता खुलेगा, उसे के बाहर नया मछली पालन सेंटर खुलेगा, ओड़ी के ओड़ी ओयो के कमरे मिला करेंगे, बाहर शहर में 1000 रुपये देने पड़े 2-3 घंटे के, आपके गांव में 500 रुपये में काम चल जाएगा। रंडी खाना बनाने की प्लानिंग है आपके गांव को, हर गांव को, लेकिन मारे समझ में को नहीं आओगी, मनमाना जीव बीत ले जीव आवे न्यूए मने, जिस टाइम पे कोरोना आया था, जिब बिकल की मारी थी, लॉकडाउन तोड़ा था मसूदपुर ने तो बहुत लेट, उस तो पहलम तो जिस टाइम लाग गया भी कौन था, जिब किल की मारने लग गया था मैं, अरे लॉकडाउन तो पेंडा छटा लो, लॉकडाउन तोड़ लो, लॉकडाउन तोड़ लो, जब बच जोगे। ई भी मैं फिर कहने लग रहा अपने गांव पे काम कर लो, बाहर का आदमी को नहीं आवे काम करने जी, जब मान ले मेरे वर्गा मानस आवेगा, मैं क्यों आऊं भाई थारे गांव में, मैं क्यों आऊं, जब मैं आऊंगा तो मैंने दिहाड़ी चाहिएगी, और जिन्हें दिहाड़ी चाहिएगी फिर उसकी भूख तो कदे नहीं मिटा भाई। अडानी 10,000 करोड़ रुपये कमावा एक रात के, मतलब एक दिन के रोज का 10,000 करोड़, उसका इतना ही नहीं भर लिया, उन्हें सारा देश चाहिए, भूख नहीं मिटा कर दी चाहिए जिसने, जिन्हें नहीं चाहिए अंदा वो तो फिर भी कुछ कर सके, और फिर जिन्हें नहीं चाहिए अंदा फिर वो अपनी मरोड़ में रहेगा भाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको वो सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिससे आप अपने गांव के बच्चों को बचा सको। बड़े बुजुर्ग अपना तजुर्बा देंगे, नौजवान साथी अपना ऊर्जा देंगे, उसकी मदद से बड़का ने सिखावांगे, ट्रेनिंग देवांगे कि के षड्यंत्र हो, मैं 3 दिन लग गया हमने षड्यंत्र समझाने में, किस किस भाई ने कर रखी ट्रेनिंग भाई, जेएसएम के हाथ खड़ा करके बताइयो, 4, 5, 6 इन्हें पूछो, 3 दिन में भी थोड़े पड़ जाए षड्यंत्र नहीं समझ मानता पूरा, फिर नू लागो तेरे की इतना बड़ा खेल है क्यों कर लड़ांगे, लड़न खातर कुछ नहीं चाहिए, बस समझ में आ जाओ, गांव वाला का पंखे पाट देंगे इनके, कोई समझ मान का रोला है, समझ मान खातर तो चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, टेम लाना पड़ेगा, दिमाग खराब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चर्चा खुले दिमाग से चर्चा करनी पड़ेगी। अब तक की जितनी बात कही आपके शामी होने लग रही होगी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं जो किताब भी हो या डराने के लिए हो, ये असलियत में होने लग रहा है। आपका आधार कार्ड आपकी बर्बादी का रास्ता है, और बच्चों के स्कूल में नए कार्ड बनने लग गए, तो अपार कार्ड उसमें तो लिख रखा माँ बाप की साइन करवाने लग रहे कि माँ बाप की मर्जी के बिना मास्टर कोई सा भी इंजेक्शन ला देगा, कोई से भी इलाज करवा देगा, चाहे बालक का पक्का इलाज हो जो स्कूल में पढ़ा पाओ, चाहे फिर मास्टर के ऊपर कोई आरोप भी ला सकते आप। आधार कार्ड ठहका फांकना पड़ेगा, गांव के अंदर सरकारी कर्मचारियों की एंट्री बैन करनी पड़ेगी जब तक हमारी जमीन उल्टी नहीं आंदी, अपनी जमीन उल्टी आने तक, क्यों जी, ये तो व्रत लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के सारे आयोजन उन सरकारी कर्मचारियों के थ्रू कराए जावे। जब आपको लठ मार रहा था पुलिस वाला, आशा वर्कर आपने जबरदस्ती कवे थी, स्कूल का मास्टर ने कवे था कि बिना इंजेक्शन लाए स्कूल में नहीं बढ़ सकते, चाहे कोई और कुछ कवे था, डीसी ने जाकर मिलो डीसी, तहसीलदार ने जाकर मिलो तहसीलदार, हर आदमी हाथ जोड़ के मुंह बूंढा करके मैं क्या करूं, मैं तो नौकरी करूं, नहीं कवे नहीं,
मन तो नौकरी करनी भाई। इसे ही जाके मतलब लात मारने का टाइम आ गया कि तू जाके नौकरी कर, अब तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। कपड़ा बनाना, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपके गांव को कपड़ा बनाना सिखा देंगे। सारा चाहे कॉटन है, बीटी कॉटन ले आए ये लोग, असली कॉटन नहीं छोड़ी, असली कॉटन का बीज हमारे पास है, असली गेहूं का बीज हमारे पास, असली जीरी का बीज है। जितने पेड्डे गामा में लाग रहे थे मैं सारे पेड्डे ले गए, उन पेड्डा के असली बीज बड़े मार पाए। ओरिजिनल बीज बचाना जरूरी है। हमारे पास ऐसी गायें बच रही हैं, ओरिजिनल बीज गायें का भी बच रहा है, ओरिजिनल बीज मैंस का भी बच रहा है। ई बचा लोगे तो कई बार बच भी जावे, आगे मौका नहीं मिलेगा बचाने का, क्योंकि ये लोग गामा में बड़ बड़ के कुत्तिया का है, डांगरा का है, मैसा का है, गाया का है, धक्के टिक्के ठोकन लाग रहे, नहीं लाग रहे जो आवारा जो जो यहाँ खुले घूमे इनका भी मतलब बीज नहीं बचना चाहिए इनका, और मारे बड़का का पैदा होने लागन लाग जाए। कमाल की बात नहीं समझ में नहीं आती गांव वाला का। अरे बोलो कैंसर ते मरो सोबर मरो, बुखार ते मरो सोबर मरो, एक्सीडेंट में मरो, चाइल्ड बर्थ में मरो, टेंशन में मरो, कर्जे में चाहे आत्महत्या कर लो, सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे। है ना कमाल की बात है। बालक का दस्त लाग रहे उसने भर्ती को नहीं करा है, लेकिन पैदा उन दे टिक्का जरूर लाके ठोकेंगे। समझ में नहीं आ रही क्या था ठोके में उन, आपकी ख्यास है कि नहीं इतने समझ में को ना आया। अरे भाई साहब बाजार चलाता है सरकारों को, सरकार को फंडिंग कहां से मिलती है? बड़ी कंपनियों से। ईवीएम सेट कौन करता है? बड़ी कंपनी। 20,000 करोड़ रुपए का केजी बेसिन का घोटाला पता कर लो, आपको पता चलेगा रिलायंस बनाने लग रहा है भाई साहब ईवीएम मशीन। सुमित्रा महाजन का बेटा संभालने लग रहा है उसकी मेंटेनेंस। 3 लाख ईवीएम मशीन गायब है, वो कब आती है? याडा डाटा मसूदपुर गुराने में देखा गया, लोग तो खिलाफत कर रहे हैं। ईवीएम मशीन का कौन सा नंबर आड़ा आया वही मशीन आवेंगी, उसके बाद अड़ते मशीन जावेंगी तो अड़ता है, लेकिन पहला ही पहुंच लेंगी। और समझ गए बात, सेट हो कर पहला ही सेट हो आवे। आपको लगता है आप लोग चुनाव जितवाते हो, एडा गांव की चपाड़ में आया कहने 4 लोग पता करके चले जावे कि गुराने का के रेट के चल रहा, गुराने का व्यवहार के चल रहा। गुराने वाले ने कहा भाई कतो फलाने ना रावांगे, फलाने ने जितावांगे। अच्छा ठीक है, फलानी पार्टी ने जितावा, अच्छा ठीक है फलानी पार्टी ज्वाइन कर लेगा नेताजी, उसका क्या फर्क पड़ रहा भाई? है फर्क तुम्हारा पड़ रहा, क्योंकि आपा के सोचा कि नौकर ला दिया, नौकर लाएगा अपने आप संभालेगा सब कुछ, अपने आप नहीं संभाला करता जी, आपा ने संभालना पड़ेगा इसलिए। और बाहर का आदमी कब तक संभालेगा हमारी, हम कितने दिन बोलेंगे और किस किस गांव में जाकर बोलेंगे? 7,000 गांव है, कड़ा कड़ा बोलना भाई, 7,000 गांव है, रोज के 3 गांव काट सके, 4 गांव काट, कितना बोलेगा तड़के से सांझ तक है? कोई माने से लिमिट हो जी जनाब उसकी, एक दिन तो छिक लेगा वो बोल बोल के भाई बहुत हो गया रे है नहीं। हम नन्यू को नहीं कहना कि भाई कोई नहीं मानता, लोगा ने माननी मारी खूब बचे, लेकिन करना पड़ेगा और कोई बार का आदमी नहीं आएगा तो गाम राम के। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो वह खान वाली बात बता रहा था, जाके ना घर में जो नमकीन का पैकेट धरिया हो, या जो बच्चे सामने नमकीन खावे है, या जो बच्चे कुरकुरे खावे या चिप्स खावे, उस चिप्स के पैकेट पे पलट के ना सिर्फ न्यू देख लियो उसमें तेल कौन सा यूज हो रहा, उसमें तेल पाओगा या तो पाम ऑयल, या पावेगा उसके अंदर कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल मतलब बिनोले का तेल, बिनोले का तेल मतलब कपास तो निकला, कपास बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या है? जीन बदल रखा उसका, ठीक बात, कीड़े का जीन डाल रखे उसमें। बीटी की फुल फॉर्म चेक करोगे पहला लाग जाएगा के होगा उस कीड़े का नाम। और पता है 2020 में ब्राजील की सरकार ने एक रिसर्च जारी करी, उसकी रिपोर्ट जारी करी, वो ये कहती है रिपोर्ट, उसके बाद ब्राजील में अगर आप कोई भी जीएमओ फसल उगाते हैं तो आपको उम्र कैद तक सजा है, और कई देशों में तो फांसी भी है जो जीएमओ उगा हुआ है, और हमारी सरकार परमिशन दे लग रही, क्योंकि ब्राजील की सरकार ने 5-10 साल की रिसर्च करके पता काटा कि भाई जो इंसान या जानवर जीएमओ खाता है या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी 100%, और ये बात सरकार को पता है। अब आपके यहां जो बीज खत्म होया है ना डांगरा का और मनसा का, उसके पीछे का कारण जीएमओ है,
जो खेत में जीएमओ बो हो, उस जीएमओ बोने के बाद खेत की भी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाए, खेत भी बचाना, मट्टी बचानी। जब 10 दिन पानी बंद कर देना तो पीने का पानी कुआं है कि गांव में अपने पास बच रहा है? चोया जा लिया, वो चोया जो मैंने कहा था ना टूंटी चलाया कर दे, वो चोया भी जन खातर था। ये नौजवान बच्चों को एक बात बताता हूं भाई, मेरी बात बहुत गणे शुरू शुरू में तो गणे बड़का के ऊपर को जाया कर दी, पर मैं जोड़ना सीखन लाग रहा हूं, मैं बताने लग रहा हूं, मैं बेरा लग जाए। दो जब पहला विश्व युद्ध आया ना, उसके बाद नेता न्यू बोला कर दे, बोला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। जब दूसरा विश्व युद्ध आया, उसके बाद भी नेता न्यू बोला कर दे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। जब तीसरा विश्व युद्ध आया तो भी न्यू बोला कर दे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। ये तीसरा विश्व युद्ध है, आपने सुना हो आज से 15-20 साल पहले नेता लोग न्यू कंधे सुने हो कि अगला विश्व युद्ध जैविक हथियारों का होगा, सुना था ना बायो वेपन का होगा, वो चल रहा है इस टाइम पे। इस टाइम भी चाइना में कोरोना के नाम पे लॉकडाउन चला हुआ है, इस टाइम भी आज की तारीख में भी। इसका अगला सुन लो, इसका अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा, या बात भी सुन लियो कि नहीं, या न्यू को नहीं कही गई है, प्लानिंग के तहत है कि पानी को ऐसा बना दो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाओ, उसके चेयरपर्सन ने एक साल पहले एक बयान दिया था अपनी दावोस की उस मीटिंग के अंदर, उसने कहा था पानी की राशनिंग स्टार्ट करो, पानी कम हो गया है, पानी का अभी आपके गांव के अंदर जो पानी की पाइप है उनका पानी का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जोड़न लाग रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके घर में कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से लीटर के हिसाब से पानी चलिया करेगा, मतलब इतने मानस हैं अपने आप इतना पानी चलेगा, आपको बंद हो जाएगा कंप्यूटर से ही। जो अगर नए बिजली के मीटर हैं, अब आपका कनेक्शन काटने के लिए उनको घर में नहीं आना पड़ता, ओड़ी तक काट देंगे, समझ गए ना। गैस का कनेक्शन भी पाइपलाइन से देने की प्लानिंग चल रही है, पहले मैं गैस के सिलेंडर छोटे करेंगे, छोटे करके फिर नहीं कहेंगे रोज रोज ठाया फिरा, फिर पाइपलाइन तक कनेक्शन देवेंगे, और पाइपलाइन से कनेक्शन देकर फिर उसके बाद उसने भी आधार कार्ड के जोड़ेंगे। गोस्से और लकड़ी पहले ही खत्म हो चुकी है, गोस्सा खातर डांगर को नहीं, लकड़ी खातर जंगल को नहीं। आज अगर इस लड़ाई को चालू करोगे तो 5 साल में तो अपना बेस बनावांगे। जमीन का पानी काटना है कि बिना बिजली पानी क्यों कर करा, जब 10 दिन बिजली ना देवे सरकार तो गांव पानी कटते पीवेगा, इसका इंतजाम करना पड़ेगा आप लोगों ने। जब कंपनी बीज ना देवे 2 साल तो कटते खाओगे, नहीं समझ मारे गे? जब कोई चीज रोकनी होती है, नए बच्चों को सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, तो जब मर्जी डिमांड बना दो। देखो ना, जब किसान के पास टमाटर है तब टमाटर 1 रुपया किलो, 0.5 रुपया किलो मिलेगा, है ना, और जब टमाटर नहीं है तब 60 रुपये किलो मिलेगा, तब 120 भी मिलेगा। तो जिसके पास स्टोरेज सिस्टम है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सरकार है, जिसके पास पॉलिसी बनाने की पावर है, वो तो जब मर्जी जिसकी डिमांड फालतू कर दे, जब मर्जी जिसकी डिमांड कम कर दे, क्यों भाई हो? और आप लोग फिरोगे रोजगार को नहीं, आप फिरोगे के करा, आपको तो 2 GB डाटा रोज दे के कच्चे कटवा दे लागे रहो, थम तो आप OTT के प्लेटफॉर्म पे अपनी सीरीज पूरी करो, थम फालतू टेंशन ना लो, अपना गेम पूरा करो, कोई टेंशन नहीं, थम देश में कुछ नहीं हो रहा, बस थम मौज में हो ना, थारे माँ बाप चेक किस हालत में हो, थम ने पूरा रिचार्ज होने लाग रहा, थारी मोटरसाइकिल में तेल गलन लाग रहा, ठीक बात। तो जी बात यह है, हम ये कहते हैं जनता सरकार मोर्चा वाले कि जल जंगल जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पर फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए गांव का, कोई अफसर नहीं लेगा। और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय और राजनीति, इन 5 चीजों में पूंजीवाद होना चाहिए खत्म। गलत बात है सही बात है जी, क्योंकि अगर इसमें पूंजीवाद रहेगा तो केवल अमीर ही नेता बनेगा, केवल अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, केवल अमीर ठीक रहेगा, अमीर ही खेती कर पाएगा। और इसका एग्जाम्पल है बिल गेट्स ने 3.75 लाख एकड़ जमीन हथिया ली किसानों को बर्बाद करके, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा किसान बना हुआ है वो बिल गेट्स। उसी बिल गेट्स के पास आपके एंड्रॉयड का सारा डेटा है, उसी बिल गेट्स के पास आपके विंडो का सारा डेटा है, समझ गए ना, समझ रहे हो ना, बिल गेट्स के पास सारा डेटा है पूरे के पूरे भारत का।
पूरे के पूरी दुनिया का, समझे? और आपके डेटा को जब मर्जी मैनिपुलेट कर सकता है वो, जब मर्जी। ऊपर से देख रहा है इस गांव में इतने मानस हैं, इतनी जमीन है, इतनी जमीन पे इतना लोन ले रखा, इतनी गाड़ी है, इनमें तो इतनी लोन भरी है, इतनी लोन पे हैं, इतनी किस्त देनी रह रही है, इनके खाते में इतने पीछे पड़े हैं, सब दे रखा अपना अपना आधार कार्ड के गिला, सब कुछ दे रखा उनता है। जब मर्जी जिसको बेच ले वो, जब मर्जी जिसको खरीद ले, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए जी? अब आपका नंबर आएगा। ये जो डेटा है ये आपकी गर्दन है। नए बच्चे जो साइंस को समझते हैं, जो पूरे मार्केट को समझते हैं, उनको पता है डेटा इज द न्यू फ्यूल। डेटा इज द न्यू, जिसके पास डेटा वो मालिक है। अभी मान लो आपने आंदोलन किया, आंदोलन करके सरकार गिराने की बात सोची, आपने कहा फलाने जिताओगे, फलाने जिताओगे, आपका पता कैसे चलेगा आप किसके बारे में सोच रहे हो? आपके मोबाइल पर आप किसकी वीडियो देखते हो, कितनी देर तक देखते हो, किसकी शेयर करते हो, व्हाट्सएप पर किसकी शेयर करते हो, फोन पर किस टाइप की बात करते हो, उससे पता चलेगा आप कौन सी पार्टी की तरफ आपका रुझान है। ठीक है? सत्ता में बैठी पार्टी आपके उस फोन नंबर के साथ कौन सा आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उसका भी पता है उसको, क्यों जी? आपके मोबाइल के साथ जो जीमेल अकाउंट है, उसके साथ जो फोन नंबर है, उसके साथ जो आधार कार्ड है, और उसके साथ जो वोटर कार्ड है, सबका पता। तो आपकी वोट कट गई, बात खत्म, चुनाव से पहले काचे काटो। ठीक? फिर 4 साल से लॉकडाउन था, 12वीं जो बच्चा कर गया 18 साल पूरे कर गया, उसको स्कूल में जाना नहीं, कॉलेज में जाना नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई ऑन लग रही, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे मोबाइल में या तो वीडियो गेम खेल रहा, या सट्टे वाली गेम खेल रहा, या अश्लील वीडियो देखन लाग रहा, या फिर अपनी वीडियो दूसरी ओटीटी पे फिल्म पूरी करने लाग रहा, यही काम कर रहा होगा जी। हर साल 2 से 5 करोड़ लोग 12वीं करता है, 18 साल पार करता है। तो इस देश में अभी 10 से 15 करोड़ बच्चा ऐसा है जो 18 तक ऊपर हो लिया, और जो लॉकडाउन की पैदाइश है। लॉकडाउन की पैदाइश का मतलब लॉकडाउन में ही 18 तक ऊपर होया हो, यानी उस आदमी ने, उस बच्चे ने ना समाज तक कुछ लेना, ना सरकार तक कुछ लेना, उन्हें सिर्फ इंटरनेट पर गंदगी दिखाई देती है, उसको इंटरनेट पर केवल और केवल या तो गंदगी नजर आएगी या नफरत नजर आएगी, जो सरकार का एजेंडा है, या तो किसी जाति के खिलाफ नफरत आएगी या किसी धर्म के खिलाफ। और वो बच्चों को, उनको वोटर बनाने के लिए और उनकी वोट बनाने के लिए आपके सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग 4 बार ले चुके हैं सारे डीसी, उनका दक्का डंडा रहा, सबकी वोट बनाओ सबकी, और उनके वहां स्कूल में भाषण देने के लिए आरएसएस के और बीजेपी के लोग बुलाए जाएंगे, किसको वोट करना है यह आपको पता भी नहीं है। समझ गए बात? आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हम आपको यह बता रहे हैं कि न्यून खाई है, न्यून रास्ता ठीक है, ईड़े याड़े आग लाग रही है, जो जिधर अपने बड़कन लेकर जान दो चले जाओ। और हमने ये सोचा कि लोग बाग तब निकल के आते हैं जब उनको लगे कि बहुत लोग निकल आए, जब न्यू दिखे कि भाई घने लोग हैं, घने लोग तो न्यू लुआ लिए, अब 100 करोड़ न लुआ लिए, मैं पागल है, घने लोग तो किसी सत्संग में न्यू जावे कि सत्संग में घने लोग है जाता हम भी चाला, घने लोग तो किसी नेता ने इसलिए वोट करा कि घनी बड़ी रैली कर दी जाता यो ही जीतेगा, क्यों वोट खराब करनी? नहीं समझे? ज्यादा लोग ने ठीक समझा मैं भाई, ज्यादा होंगे तो ठीक होंगे भाई, कोई बात नहीं, या ट्राई करके देख लिया। 19 नवंबर ने, यानी जो एतवार आन लाग रहा है, इस एतवार ने करनाल में तड़के 10 बजे उड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर में एक रैली रखी है, नस्ल बचाओ रैली, ताकि पूरे समाज ने यो मैसेज दे दें कि इन मनसत काम को नहीं चल रहा है। जब आपकी माँ को नहीं पता होगा, आपकी माँ मतलब बच्चे की माँ को नहीं पता होगा कि वह जो 10, या दादा ने नहीं पता को 10 रुपये दे वो छोरा जो कुरकुरे लेकर आओ उसमें जहर भरा है, वो दादा देना बंद को नहीं करे उन्हें। जब तक मां को नहीं पता कि किचन में के कबाड़ खान लग रहे मेरे बच्चे, तब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। मां को पता होना चाहिए कि पैदा होने से पहले कौन से इंजेक्शन लुआने, कौन से नहीं लुआने, वो पता होना चाहिए मां ने, जीवे तो बचावेगी वह अपने बच्चे ने।
बाप ने पता होना चाहिए कि तेरे बच्चे के लिए भविष्य तेरे गांव में ही है, जिस बच्चे को उसकी मिट्टी नहीं पाल सकती, अमेरिका की मिट्टी भी नहीं पाल सकती उसने जी, माए नहीं पाल सकती, किसी और की माँ क्यों पालेगी भाई। उड़े जायो बड़का की व्यथा सुनोगे तो पता चलेगा बुरा हाल हो रहा है उन बड़का का, जितने जा रहे नू कहे मिट्टी जेड़ है, सब कुछ तो ले लिया, इब घर तक किला बेच का आए थे, इब कुकर उल्टे किस्मू तो उल्टे जावा, इब तो जुकर कुकर करना पड़ेगा, याड़ी दिहाड़ी करनी पड़ेगी, ईसा बाल बुरा हाल तो रही, ये तो गांव में ठीक करना पड़ेगा। उल्टा रहा नहीं आपके पास कोई, और कोई बाहर का आदमी को नहीं आवा है, क्योंकि बालक आपके हैं, इसलिए उस रैली में आना मन तो ऐसा लागे वो जरूरी है, नहीं लगता आपने क्यों जी को नहीं, बात नहीं बनी है, समझाने में कामयाब नहीं हुआ मैं आपते। उस रैली का यो मकसद है ताकि चोखे लोग आड़ा आ जाएंगे तो उन लोगों तक एक मैसेज दे देंगे कि भाई जिन जिन गांव में तो लोग आ रहे हैं वह गांव इब जुकर इन बात इन लोगों ने बेरा लाग गया, इब आप लोग आपके पास एक हफ्ता है तड़की सांझ इसका जिक्र कर दो, भाई उन्नी ने चलना है करनाल, उन्नी ने चलना है करनाल, ठीक अपनी अपनी गाड़ी ले जो, मार पे जब ब्यो तो जब मार पे पीछे होंगे तो भाई फिर हमने पीछे कमाने पड़ेंगे, जब पीछे देवांगे तो आप तय क्यों भाई मार तो रखेंगे तो आओगे के कर सके, 1000 रुपया का तेल लगे 200-200 रुपये बंडा हमें पांच जने आ गए, मन ऐसा लगा अपने बच्चा ने बचाने का इतना तो आप देश का, और गांव में एक आधा कोई ना कोई बामाशाह भी मिल जाएगा जो कहता लावे 10 गाड़ियां के मैं दे दूंगा भाई आप ट्राई करना, लेकिन बैठ कर अपने चर्चा करनी पड़ेगी, आप चलो भाईचारे तक बात करो, गांव में तो 500 आदमी चल लेंगे 200 चल लेंगे अपना ट्राई करो, जितने ज्यादा लोगों तक बात लेकर जाओ ले जाओ, चाहे ना हो लेकिन पचाओ, नू कहोगे ना कोई नहीं आंदा ना हो कोई दिक्कत, लेकिन बात पचाओ के भाई करनाल चल लेंगे करनाल चल लेंगे, वह मारे दौरे को नहीं आवे लेकिन करनाल रैली की वीडियो तो देख लेंगे के बात हो उड़ता है, उसके बाद दोबारा अपने गांव में मीटिंग रखांगे जिसमें हर माँ आनी चाहिए, जिसमें हर बाप आना चाहिए और जिसमें हर नौजवान आना चाहिए 18 से ऊपर का 16 से ऊपर का, ताकि उन्हें पता चले कि अपने गांव को कैसे बचाना। उसके बाद जो भी नौजवान इकट्ठे होंगे उन नौजवानों ने हम ट्रेनिंग देवांगे कि तेरे गांव की यह समस्या न्यू सुलझेगी, मिलके ना न्यू सुलझा लो, उसमें तो 3-4 मीटिंग अगर आप करांगे तो जो कड़ी बिगाड़ लोग हैं, जो पार्टियां के गुलाम लोग हैं, जिनने किसी पार्टी के पटका पैर रखा, जो उनके गुलाम है, वह लोग आपकी मीटिंग खराब करना आएंगे, क्योंकि उनसे आप कट्ठे देखे नहीं जाओ, क्योंकि आपके अलग होने में ही तो उनकी मौज है कि ब्राह्मण मारते दे दो, जाटिन ते दे दो, चमार मारते दे दो, वह तो न्यू मौज कर रहे, इस पाने वाले ने दे दो, इस पाने वाले ने दे दो, इस सरपंच वाले ने दे दो, इस सरपंच वाले ने दे दो, पिछले सरपंच वाले इसके तो है नहीं, नए सरपंच वाले इसके, न्यू चल रहा ना गांव में, यह चीज वह देख नहीं पाओगे तो वह 2-4 बन में कुछ नहीं अंदर है नाश हो रहा देश का कति नाश हो, वह इसी सी भाषा यूज करेंगे, ठीक उनकी पहचान कर लो कि यह 5-7 पाओगे बस इसे लुचंगड़ ज्यादा को नहीं, उनकी पहचान होगी भाई यह है, उसके बाद अपनी मीटिंग रखो गांव राम बढ़िया डाल, ट्रेनिंग होगी बालका की, और रास्ता गांव के पास सब कुछ है जी, गांव तो ना किसी सरकार की जरूरत ना हमारी जरूरत, किसी जरूरत समझ समझ की जरूरत है बस ले, वह समझ खातर आप ट्रेनिंग देवांगे, अगर बालक इतने हो जाएंगे आपके गांव में आके देकर जावांगे सारा गांव देख लियो कि ट्रेनिंग में हुआ है, ले रोला है खत्म क्यों जी, गलत बात तो नहीं बताओ, संभव है ना, तो इसलिए रैली में आना जरूरी है, किस किसने लाग आना चाहिए, मैंने आठा का समर्थन किस किसने बधाई को नहीं, चलो जिस पर हाथ नहीं उठता उड़ती तो कट जाओगा, जिस पर अड़ता अड़ती नहीं हाथ उठता उड़ तक तो कट जाओगा, वो है कि नहीं, बाकी भाई आप आओगे साथ हिम्मत दोगे और जब काम जब ठीक लगता हो तो भाई अपने और लोगों ने भी लेकर आओगे, इस उम्मीद में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिंद जय भारत।